नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। यातायात पुलिस अब तक वाहन सवारों से जुर्माना वसूला करती थी, मगर बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर यातायात इंस्पेक्टर जय गोविंद यादव वाहन सवारों को हेलमेट व मास्क पहनने की नसीहत देकर उन्हें दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का शपथ दिलाया। इसके साथ ही वाहन सवारों को कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी। यातायात थाना अध्यक्ष जय गोविंद यादव ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लोगों को हर हाल में मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं बाइक सवारों को हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, इससे उनकी ज़िंदगी सुरक्षित होती है। उन्होंने बाइक सवारों को पकड़कर साइड में खड़ा किया और उसके बाद वाहन चालकों को एक साथ हेलमेट व मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलाई। साथ ही ऑटो एवं रिक्शा चालकों से सीट के अनुसार लोगों को बैठाने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि आगे से यदि कोई भी वाहन चालक बिना हेलमेट मास्क और सीट बेल्ट पकड़े गए तो उनसे फाइन वसूलने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वक्त टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी पेपर को छपेगा, सभी आप लोग पढ़ने में सुनेंगे, आप लोग ज्यादा जागरूक करेंगे और कल से मैं ये नहीं सुनने जा रहा है कि आज पहली गलतियाँ छोड़ दीजिए और कौनसर आज के लोगों को आज वाहन चेकिंग करके लोगों को ये जागरूक किए हैं कि लॉकडाउन टूटने के बाद में आप लोग ये समझ गए हैं कि हम लोग फ्री चलें, बिना हेलमेट के चलें, बिना मास्क के चलें। बीमारी और बढ़ रहा है, इसलिए आप हेलमेट लगा कर चलें, सीट बेल्ट लगा कर चलें, मास्क लगा कर चलें, ताकि आप सुरक्षित रहें। और ये कल से हम नहीं सुनना चाहते हैं, वहाँ चेकिंग करते समय हमेशा ये सुनने को हमको मिला है कि सर आज पहली गलती है, माफ़ कर दीजिए। तो कल से हम किसी को माफ़ करने नहीं जा रहे हैं, यही लोगों को हम संदेश दिए, हिदायत किए हैं, लोग जा करके जागरूक करें लोगों को, ताकि ये खबर प्रमुखता से सभी पेपर में आप लोग छापिए, ताकि प्रत्येक जनता तक ये मैसेज पहुंच जाए। कल से हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, यदि बिना मास्क के पकड़ेंगे, बिना हेलमेट के पकड़ेंगे तो जो फाइन बनता है फाइन काटेंगे, बिना सीट के पकड़े जाएंगे, जो फाइन बनता है फाइन काटेंगे। कल से किसी को हम पकड़ने नहीं जा रहे हैं, यही मेरा संदेश।